अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? नाड़ी लटक रही उसमें तुम की, ये देखो यहाँ पे ये निकाल देती हूँ मैं, बाद में डाल देंगे। हाँ ओके, तुम जल्दी से देखो, बिल्ली लोग है ना, अब्बा का सॉक्स फैला दिया और उसी पे सो गए। आज को देखो पीछे सॉक्स पे सो रहे लोग, ये देखो। बैठने दे बैठने दे, अभी मत कर, मैं अभी झाड़ू मारूंगी ना तो हटाती हूँ उन लोग को। ओके ठीक है, चलो बाहर। इसको पोटी करने के लिए इसकी प्लेट रखी है, लेकिन फिर भी इसकी मस्ती जाती नहीं है, घर में ही करने का रहता है। चला डिम्पो खाना देती, आजा 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 आजा, इधर आ इधर इधर, जल्दी जल्दी आजा 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 आजा, तुझको खाना दे दू। तेरी माँ से छुपा के रखना पड़ता है मेरे को खाना ये टैंक के अंदर। मैं उसका खाना ना ये टैंक में ना छुपा के रखती हूँ, क्योंकि उसकी माँ आती है ना तो पूरा अटैक करके ना छिरफाड़ करके खाती है, मतलब पूरा पैकेट फाड़ देती है और फिर खाती है, तो इसके लिए मैं छुपा के रखती हूँ। ये खाना मैं ये बच्ची को ही खिलाती, क्योंकि वो उसकी माँ तो बाहर क्या क्या खा लेती है, चूहा खा लेती है, चिकन खा लेती है, क्या क्या खा के आती है बाहर से, बट ये बच्ची तो कुछ भी नहीं खाती है बाहर जाके, ये घर में जो खाने को देंगे ना वही खाती है। ये विस्कास, हाँ हाँ, अब्बा सो रहे ना, सोने दे। हाँ तेरे अब्बा सो गए, तुम जल्दी जल्दी दाँत घसो फटाफट, मैं चाय बनाती नाश्ता बनाती तुम लोग के लिए। सो रहे अभी ये, ब्लीडिंग अभी भी चालू ही है उनकी। खैर अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए, तो मैं ये खिलाती हूँ बिल्ली को, अभी वो खाएगी। और एक तरफ उज्मा अभी दांत घस रही है, सो के उठी ना वो, तो अभी मैं जाके उसके लिए कुछ चाय वाय नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ। और ये टीवी अभी तक यहीं पे पड़ी है, आप लोग बोल रहे थे ना कल के व्लॉग में टीवी उठा के क्या अभी देख देख के रोएंगे क्या, टीवी को उठा के फेंको। अरे मेरे को टीवी की कुछ पड़ी नहीं है, मैं इसको फेंकने ही वाली हूँ। मैंने ये यहाँ इसलिए रखी क्योंकि अंदर कहाँ रखूँ, अगर गिर विर जाएगी, अंदर जगह नहीं है। मैंने इसको यहाँ इसलिए रखा कि कचरे की गाड़ी वाला आता तो मैं फेंक देती थी, लेकिन कचरे की गाड़ी की आज ना सीटी सुनने नहीं आई है, तो इसलिए ये अभी तक यहीं पर पड़ी रह गई है। और घर अभी तक ऐसे ही फैला हुआ है, तो चलो थोड़ा काम भी कर लेते हैं अभी, और क्या। सो बस ये अभी शाम का वक्त हो रहा है, अम्मी आए हैं मिलने के लिए बाबू से, और उज्मा के साथ खेल रहे हैं बाहर। शाम का मतलब जैसे कि मैंने कल आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर किया था ना, तो मैंने लंच के टाइम पे दाल चावल चढ़ाया था और मैंने वो व्लॉग को एंड कर दिया था ये बोल के कि बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद मैं उज्मा को सुला दूँगी। तो बस हम लोग मैंने दाल चावल बनाया था और फिर बाद में मैंने बाबू को खाना खिलाया, उज्मा को खाना खिलाया और उज्मा को भी सुला दिया, और बाबू भी दवा खा के सो गए थे। तो ये शाम का वक्त है और मैं किचन में आ गई हूँ, चाय चढ़ा रही हूँ, और थोड़ा शक्कर कम ख़त्म हो गई थी डब्बे में से, तो मैंने डब्बे में शक्कर भरी है। और बाहर अम्मी उज्मा के साथ खेल रहे हैं, बैठे हैं, और बाबू बेडरूम में बैठे हैं आराम कर रहे हैं। तो चलिए फिर मैं चाय पी के आप लोगों से मिलती हूँ। और वैसे भी ना आज ना बाहर है ना थोड़ा वो लगे हुआ है, गाना बज रहा है, डीजे लगा हुआ है बाहर। तो शाम के बाद मैं अभी डायरेक्ट आप लोगों को रात के वक्त पे मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं किचन के अंदर है ना अंडा उबालने के लिए आई हूँ, रात हो रही है, मतलब डिनर वगैरह सब कुछ फिनिश हो गया, हम लोगों ने डिनर भी कर लिया, लेकिन मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, बहुत थक गई थी और नहीं कर पाई। बस यहाँ पर डीजे भी चल रहा था, बात कर रही हूँ तो बीच बीच में वही आवाज़ आ रही है, तो मैंने ज़्यादा वही नहीं लिया। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझसे जितना होएगा मैं वैसे ही व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी, और आप लोग भी समझ सकते हैं।
वो तो आप लोग मुझे मिस करते हो मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को भी निराश नहीं करूँगी। मेरे से जितना होएगा उतना मैं कोशिश करूँगी आप लोगों तक ब्लॉग पहुँचाने की। और यहाँ पे मैं अंडे उबाल रही हूँ बाबू को, ताकि उनके जो अंडे खाने से ना टाके जल्दी सूख जाते हैं। और ये अंडे देने के बाद उनको दूध दूँगी, दूध में हल्दी डाल के पिलाने से भी टाके, ज़ख्म, बुखार, मतलब तबीयत ठीक हो जाती है जल्दी से। तो बस मैंने यहाँ पे ना दूध चढ़ाया है। और ये सब नुस्खे ना बचपन से हम लोगों को घर में होते हैं ना, तो आदत पड़ी हुई है। अब डॉक्टर बोले नहीं बोले हम लोग करते ही है, एक तो ये हल्दी वाला दूध और दूसरा वो अंडा उबाल के, तो ऐसा है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ना उज़्मा के लिए भी दूध गर्म की हूँ साथ ही में दोनों का, क्योंकि रात के टाइम पर नॉर्मली उज़्मा दूध पीती है, लेकिन ज़्यादा नहीं पीती, थोड़ा सा पीती है। और उसके दूध में मैं थोड़ा सा ना ज़ाफ़रान ऐड करती हूँ। तो अभी आज एक गिलास में हल्दी ऐड होगी और एक गिलास में ज़ाफ़रान ऐड होगा। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उज़्मा मेरे आजू बाजू घूम रही है, बात कर रही है, खेल रही है, तो उसकी आवाज़ आप लोगों को आ ही रही हो। और ये ज़ाफ़रान मैं उसको ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं पिलाती हूँ, उसके दूध में ना एक दो तार ही डालती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक दो लड़ी या तार, जो समझ लो भाई साहब समझ लो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एक दो ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो ज़ाफ़रान भी तो गर्म होता है ना, ज़्यादा देना भी ठीक नहीं रहता, लेकिन मैं दूध में थोड़ा डाल ही देती हूँ। और बाबू और उज़्मा अभी हॉल में लेटे हुए हैं, मैंने बिस्तर लगा दिया है, हम लोग हॉल में ही सोते हैं ना, बेडरूम में नहीं सोते ना, दिन भर बेडरूम में एक बार बाबू को लिटा देती हूँ मैं, चलता है, लेकिन रात में नहीं सोने दे सकती मैं बेडरूम में, क्योंकि रात में ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये मेरे से जो पुराने से जुड़े उन लोगों को पता होगा, हम लोग बेडरूम का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अभी कैसा ना सब नए नए लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कुछ, तो वो लोगों के क्वेश्चन नए नए आते रहते हैं, तो उनको ही बता रही हूँ कि बेडरूम के अंदर है ना हम लोग ज़्यादा रहते नहीं है, क्योंकि गर्म होता है। और सो बस ऐसा है, एक्चुअली नए लोग जुड़ते हैं ना तो उन लोग एक दो वीडियो देखते हैं ना, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता। अब जो लोग मेरे साथ पुराने से जुड़े हुए ना उन लोगों को सब पता रहता है, तो चलो कोई नहीं। मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी मेरी आइकन बटन में, जिसमें मेरी सारी वीडियोज़ है, आप चेकआउट ज़रूर करना कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ओके। तो अगर मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो लोग भी नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो। और अब ये दूध मैं ठंडा करने के लिए रख रही हूँ, जब ये ठंडा हो जाएगा तो वो लोग पी लेंगे, वैसे तो अभी ठंडा होने के लिए टाइम जाएगा, क्योंकि गर्मी भी चल रही है और गर्म दूध हो या गर्म पानी, ठंडा होने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा है, तो ऐसा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैं ना बहुत ज़ोर से बोलती हूँ, मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए, तो लेकिन मैं जब स्लो बोलती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कितना तेज़ बोलूँ और कितना स्लो बोलूँ, मतलब कितना ज़ोर से बोलूँ और कितना स्लो बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और मैं चिल्ला के बोलती हूँ इसलिए क्योंकि मेरे आजू बाजू से मेरे पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आती है, तो उन आवाज़ों में मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे सके, इसलिए मैं ज़ोर से बोलती हूँ, नॉर्मल इतना ज़ोर से मैं नहीं बोलती हूँ, तो ऐसा है। तो चलिए अभी मैं इन लोगों से आपकी बात कराती हूँ, और आप लोग मुझे बताना कौन सी वॉल्यूम आप लोगों को चाहिए, स्लो बोलेंगे तो मैं स्लो बोलूँगी, फिर बाद में मेरे को बोलना नहीं कि आवाज़ नहीं आ रही, हाँ नहीं तो क्या। एक्सपीरियंस शेयर कर दो ज़रा अंधेरे में। कैसे लगा आपको ये मार? किस्मत में था इसके लिए यार, ये हो जाता हाथ से हो जाते। चलो ये आज तो है ना डीजे बहुत बज रहा है हम लोग की गली में, एक तो उस वजह से मैं आज ब्लॉग को सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जब भी बात कर रही हूँ तो पीछे से वो गाना बज रहा है, तो कॉपीराइट का डर आ रहा था, तो इसलिए मैं ब्लॉग को ज़्यादा खींच नहीं पाई, मैं ज़्यादा शेयर कुछ नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। अभी उज़्मा और बाबू का खाना तो हो गया है, ये लोग दोनों बिस्तर पर आ गए हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी मैं मिल्क गर्म कर रही हूँ, तो बस उज़्मा तो ज़्यादा पीती है नहीं, रात के टाइम पर बड़े नखरे रहते हैं, थोड़ा वो पी लेगी, बाबू पियेंगे हल्दी डाल के, और बस उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, और दुआ में याद रखना आपके बाबू भाई जान को, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए। और देखो ये लोग है ना काजू बादाम चेप रहे, काजू बादाम खा रहे दोनों बाप बेटी माशाल्लाह,
और उसमें यहाँ पे टॉक देख रही है, क्या देख रही है मामा? दोनों भी टॉक देख रहे हैं। देखो तो ये टॉक मतलब समझ गए ना आप लोग, लोग टिकटॉक देख रहे। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। बाय बाय।